कि राम नाम मुह में रहे, रावण का हो जाप। राम नाम मुह में रहे, रावण का हो जाप। दिखते कई मुझे यहाँ, तुम हो या हो आप। मनमानी और मद में, मनमानी और मद में कितने हो गए चूर। मनमानी और मद में कितने हो गए चूर। समय बीत जाए तो मुंह पे उड़ती धूल। ईर्ष्या जितनी बढ़ाइए उतना बढ़े संताप। अकेले जग में रह गए आप, रहे ना आप। आगे की पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि तेरी मेरी हो गई, औरों को भी दे काम। तेरी मेरी हो गई, औरों को भी दे काम। तब पीढ़ी आशीष दे, हो सब का ही नाम। अंतिम दोहा देखिएगा कि जितना पौध को चाहिए, जितना पौध को चाहिए उतने जल से सींच। जितना पौध को चाहिए उतने जल से सींच। अति हुआ तो पुष्प नहीं, होगी की चमकी, होगी की चमकी। तो अभी आतुकांत पे आ जाता हूँ कि एक छोटी सी रचना है मेरी भटन, और चर्चित रचना ही है। तो मैं अपनी रचना भटन प्रस्तुत करता हूँ और सुनिएगा। बहुत छोटी सी कविता है कि खुलते हैं बटन, खुलते हैं बटन प्रेम में, विश्वास में, समर्पण में। कभी कभी आतंक से भी खोले जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, रौन दिए जाते हैं। असहज असहज आंखों से भी बटन खोलते हैं कुछ, बटन ममता भी खोलती है तुम्हें इस संसार को देखने के लिए। तो बताओ ना तुम्हें कैसे खोलना, तोड़ना या रौंदना अच्छा लगता है? या तुम्हें इसे बोलने में भी शर्म आती होगी, पढ़ने में भी शायद शर्म आती होगी। फिर क्यों तोड़ते हो मर्यादा, क्यों रौंदते हो बटन को जो सिर्फ कवच है किसी की अस्मिता का, भाव से भरी ममता का, भाव से भरी ममता का। इसी क्रम में मैं आपको एक मित्रता के चरण पे एक कविता सुनाता हूँ जो कि आतुकांत लिखा हुआ है। कि मित्रता के चरण को मैंने तीन भागों में बांटा है, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था में। तो ये कविता लीजिए कि यदि मित्रता को चरणों में बांटा जाए और उसका लेखा जोखा देखा जाए तो तस्वीर क्या होगी? पहला चरण बचपन हो, पहला चरण बचपन हो। बचपन की मित्रता अबोध निस्वार्थ से परिपूर्ण आकी जाएगी, यह समय और परिस्थितियों से धुंधली होगी और बचपन के मित्र शायद ही किसी के खजाने में लंबे समय तक हो। यही एक विडंबना है, फिर भी यह चरण अति सुखदायी होगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, यह चरण यौवन द्वार पर चंचलता के साथ अटखेलियां करता हुआ होगा, बचपन की मित्रता को संजोता हुआ, असंख्य नए मित्रों के साथ औपचारिक अनौपचारिक कारणों से बनता हुआ, किसी पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते की भांति होगा। किसी पेड़ पर लगे मधुमक्खी की छत्ते की भांति होगा और बहुत नाजुक भी, जिसे यह डर हमेशा बना रहेगा कि गलती से कहीं से भी अविश्वास का धुआं न उठे या कोई जानबूझकर न मारे पत्थर और बड़े प्रयास से सजो इस यौवन के मित्रता से बने शहद कोई कोई और न अपना बना ले। अब बात करते हैं मित्रता के अंतिम चरण की। जब आप वृद्ध होंगे, लगभग सभी मित्र छट चुके होंगे, स्थान काल परिस्थिति में बढ़ चुके होंगे, कुछ इस दुनिया में ही नहीं होंगे, आप स्वयं अपना लेखा जोखा लेकर बैठेंगे और कमजोर और असहाय अवस्था में भी फिर से एक बार नए मित्र की तलाश में जुड़ जाएंगे। याद रखें, बचपन और जवानी की चरणों की मित्रता में जैसा बोया है आपने, वैसा ही फल, वैसे ही मित्र आप इस अवस्था में भी पाएंगे।
मित्रता क्या है और इसे कैसे सहेजना है आप इसी समय समझ पाए। वाह वाह भाई वाह। तीनों चरणों में मेरे हिसाब से बचपन की मित्रता ही सर्वश्रेष्ठ आकी जाएगी। यह भी सच है, बिना मित्रता के आगे की उम्र भी नहीं काटी जाएगी। वाह वाह भाई वाह।